संतों के जीवन में हम इस संदेश को तो समझ जाते हैं कि भगवान पराक्रमी हैं, पर दुविधा होती है, पर क्या मेरे लिए वो पराक्रम अपनाएंगे के लिए? तो महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं पांडव और जो कौरव हैं, दोनों जो हैं सेना को तैनात किए हैं और युद्ध लड़ने के लिए अग्रसर हैं। बाहरी रूप से देखेंगे तो दोनों दल में क्या अंतर है, एक ही है चेतना का। दुर्योधन जो है कौरवों की पार्टी के साथ अपनी पार्टी मनाने के लिए वहां पे लगा हुआ, और सारे पांडव जो हैं वो लगे हैं कृष्ण की संतुष्टि और सेवा के लिए। मिशन एक ही है पर विजन अलग। तो 15वां दिन था शायद, और द्रोणाचार्य जो है इतना हाहाकार मचा रहे थे कि 50,000 एक लाख के अवधि में जो है लोगों को साफ कर रहे थे पांडवों को। तो सारे लोग सोचते हैं अरे अगर द्रोणाचार्य रहे तो हमारी सेना आज ही खाली है। तो भक्ति करते हैं और भगवान के लिए की संतुष्टि के लिए अपने जीवन का जत्न करते हैं, मतलब आपके जीवन में क्लेश नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो 15वां दिन था, द्रोणाचार्य इस प्रकार हाहाकार मचा रहे थे, तो पांडव लोग सोचे क्या करना है। तो कृष्ण कह दिए छल के अलावा कुछ नहीं होगा, छल करना पड़ेगा। तो भीम जो है एक बड़े बड़े हस्ती थे जिसका नाम था अश्वत्थामा, उसको मार दिए। मारने के बाद जोर से द्रोणाचार्य के पास आके चिल्लाते हैं अश्वत्थामा हतः। द्रोणाचार्य सोचता है कि अरे भीम तो झूठ भी बोल सकते हैं, तो भीम की बातों पे द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ था, पर वो जो संशय का बीज वो आरोपण हो गया। लड़ रहे थे और इतनी आसक्ति थी अश्वत्थामा के साथ द्रोणाचार्य की कि वो अपने उत्साह को बीच बीच में खो बैठे, कहीं ये सच तो नहीं कि अश्वत्थामा मर गए, और सोच के उनका उत्साह कम होता जा रहा। और फिर कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम भी इस बात को दोहराओ, नहीं तो हमारी पूरी सेना खत्म हो जाएगी। और युधिष्ठिर जो हैं सोचने लगते हैं कि ऐसा कहूँ क्या, ऐसा करूँ क्या। और कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज। तो युधिष्ठिर फिर क्या करते हैं, कृष्ण की बात को मान लेते हैं, मान के कहते हैं अश्वत्थामा हतः कुंजरः। और कृष्ण शंख बजा देते हैं, सत्य भी है असत्य भी है। और जैसे ही द्रोणाचार्य सुनते हैं कि युधिष्ठिर ऐसा कहे हैं, तो उनको निर्णय हो जाता है कि अश्वत्थामा की जो है मृत्यु हो गई है, अपने पूरे उत्साह को खो देते हैं और युद्ध करने की इच्छा को ही त्याग देते हैं। महाभारत के युद्ध में कहते हैं द्रोणाचार्य उस समय अपने अस्त्र शस्त्रों को नीचे गिरा देते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं, विष्णु के ऊपर ध्यान करते हैं कि वो एक प्रकार से सद्गति प्राप्त कर चुके थे और आत्मा जो है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ या जो है प्रयाण करने लगे थी। और तभी धृष्टद्युम्न, जिनका जो उद्गम है यज्ञ के माध्यम से हुआ था कि वो द्रोणाचार्य के काल बनेंगे, तो वो वहां पे पहुंच जाते हैं, रथ पे जाते हैं और सबके सामने पूरी सेना देख रही है कौरव और पांडव, और वो जो है द्रोणाचार्य का सर पे। और आखिर में अश्वत्थामा को संदेश मिल जाता है और वो प्रतिज्ञा करते हैं कि इस प्रकार छल से मेरे पिता की हत्या हुई है तो मैं पूरे पांडवों की जो सेना है, उनके वंश है, सबको मैं मिटा। और ऐसी प्रतिज्ञा करके अगले दिन नारायणी अस्त्र जो है अश्वत्थामा उठा और कहते हैं इस नारायणी अस्त्र से सारे पांडवों को, उनकी सेना को कल ही खत्म कर दूंगा। तो नारायणी सेना को, नारायणी अस्त्र को उठाते हैं और पांडवों पर वार कर देते हैं, और सारे पांडव लोग और पूरी पांडव की सेना सारे महारथियों के साथ इतने शक्तिशाली अस्त्र को देख के सब लोग अपने अस्त्र को तैनात करके छोड़ने लगते हैं। और जैसे वे अस्त्रों को छोड़ते हैं, नारायणी अस्त्र जो है और 10 गुना शक्तिमान हो जाता है। जो सारथी थे खड़े हो गए, कहे पूरी सेना अपने अस्त्रों को छोड़ दो और नारायणी अस्त्र को प्रणाम करो, दंडवत करो। नारायणी अस्त्र आके सब कुछ जला के राख कर रहा है। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि सारे अस्त्रों को छोड़ दो, शस्त्रों को छोड़ दो और दंडवत प्रणाम करो। पर देखिए कृष्ण के प्रति शरणागति पांडव, सब अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं, कौरव देख रहे क्या चल रहा है और सब प्रणाम कर रहे हैं, पर एक व्यक्ति थे जो नहीं छोड़े, भीम।
अरे क्या कर रहे हो कायरों की तरह है? अरे अश्वत्थामा वार किया है, अपमान की बात हो जाएगी, मैं कदापि नहीं झुकूंगा। तो पूरा नारायणी अस्त्र फोकस्ड ऑन भीमा। सब लोग प्रणाम किए, सबको छोड़ दिया और उसके ऊपर फोकस करके अपनी फोर्स फील्ड बढ़ा रहा था। और भीम और गुस्सा बढ़ा रहे हैं और ताकतवर होता जा रहा है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को समझाओ जाके उसको। तो कृष्ण स्वयं उतर जाते हैं, अर्जुन को साथ में जाते हैं उसको काउंसलिंग करने, और जाके भीम को खींच के लाते हैं। अरे भाई समझो। तो इतना वार्तालाप होता है, कृष्ण कह रहे हैं तो आधे मन से जो है कहते हैं ठीक है कृष्ण, प्रणाम करना है, ठीक है, वो भी झुक जाते हैं। और नारायणी अस्त्र, सब लोग झुक गए, सब प्रणाम कर रहे हैं, थैंक यू बोल के निकल जाते हैं। दुर्योधन कहता है अरे वारे अश्वत्थामा, तूने क्या किया, फिर से छोड़। अश्वत्थामा कहता है अरे फिर से छोड़ूंगा, इसका जो मंत्र है सेकेंड टाइम जब यूज करते हैं, जिसने वार किया उसको आउट करता है, जो उसका बॉस है फिर उसको आउट करता है। फिर उसकी सेना को आउट करता है। छोड़ू? बोले नहीं, अभी नहीं। तो आप देखते हैं महाभारत के युद्ध में हर क्षण में पांडव लोग लगे थे और कभी भी उनका दी एंड हो सकता। कृष्ण का परामर्श होता था और उनकी डिमांड होती है पे शरणागति, पे द प्राइस ऑफ सरेंडर। सरेंडर मतलब सरेंडर नहीं, कृष्ण चाहते हैं माया के ऊपर, अपने मन के ऊपर और इस जगत की चीज़ों के ऊपर अपने विश्वास को त्यजो और मेरे ऊपर अपने प्रेम और जो श्रद्धा को पढ़ाओ। दिस इज व्हाट कृष्ण वांट्स। जीवन का सारा क्लेश इसलिए है क्योंकि हम मनु संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं, पर मनो संहिता का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, राइट? इसीलिए जीवन का सारा क्लेश है। तो कृष्ण चाहते हैं मन और माया के चंगुल से निकलो और मेरे चरण कमलों में अपना वास करो, यही भगवान चाहते, शरणागति चाहते। तो भगवान अलग अलग परिस्थितियों में डाल देते हैं और कहते हैं चूज मी और माया, हु डू यू वांट।